कोरोना की चौथी लहर, बच्चे शिकार हो सकते हैं। क्या तालीमी इदारे एक माह तक फिर बंद होंगे? नाहम और ग्यारहवीं के तलबा बगैर इम्तिहान प्रमोट होंगे? तजावीज जेरे गौर, बोर्ड इम्तिहान मुलतवी होने का खदशा। नया तालीमी साल यकम अगस्त की बजाय यकम सितम्बर से शुरू करने पर गौर। अहम फैसले एनसीओ से इजलास में होंगे। नवाबों के शहर में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। बहावलपुर में 1 अरब 19 करोड़ रुपए से सड़कें बनाने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर दवाखान मलिक महबूब लाहीखर का कहना है कि 18 करोड़ रुपए के सिविल अस्पताल से झांगीवाला तक रोड की तामीर और मुरम्मत होगी। डेरा गाजी खान का शुमार भी होगा अब तरक्की याफ्ता शहरों में। शहर के मसरूफ तरीन चौराहों पर सिग्नल्स नस्ब करने का फैसला। पहले मरहले में मसरूफ चौक और ट्रैफिक चौक पर सिग्नल्स नस्ब किए जाएंगे। शहर औलिया के बासियों के लिए खुशखबरी। पीएचए मुल्तान का शाह शम्स पार्क की बंद झील दोबारा फाल करने का ऐलान। डीजी पीएचए सैयद शफकत रोजा का कहना है कि पार्क के एक हिस्से का तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद अगले मरहले में झील फाल होगी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में कैंटीन माफिया का राज। मरीजों के साथ आए लवाहिकी लूटने लगे। शहरियों से ओवरचार्जिंग, कैंटीन पर रेट लिस्ट या वीजा नहीं, जबकि अस्पताल में पानी पैंपर्स सब महंगा। एमएस ने कैंटीन मालिक को 8,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना अस्पताल अकाउंट में जमा करवाने का लेटर भी जारी कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद नाफिस कारकर्दगी वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स पर बरहम। डिवीजन के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास तलब कर लिया गया। रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांग ली। 30% से कम कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी और 50% से कम कारकर्दगी पर शोकॉज नोटिस जारी करने का इंदिया। मुल्तान में रजिस्टर हक्कारान जमीन में शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने का सिलसिला जारी। महकमा रेवेन्यू में असलाहत के लिए मुल्तान डिवीजन की पंजाब भर में पहला नंबर। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। रेवेन्यू रिकवरी के अखदाफ के बेहतर बनाने का हुक्म भी दे दिया। एसिस को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। सख्त गर्मी में लोड शेयरिंग का असाब। मुजफ्फरगढ़ के कुंजान आबाद इलाकों में 5 घंटों की लोड शेयरिंग। महल्ला कायम वाला और गौस कॉलोनी में गुज़श्ता रात से बिजली बंद। मकीन सराबा एहतजाज वापसा का अलामती जनाजा भी निकाला। शदीद गर्मी से दूर शहरियों की तबीयत आसाद। हुकाम से लोड शेयरिंग पर काबू पाने की अपील कर दी। हमारा एक मामूली सा ट्रांसफर खराब हुआ है ना। SDO बदमाश बना बैठा है, CN बदमाश। 153 कॉलें की SDO को, मजाल है कि एक काल उठाइयो। बच्चे बूढ़े जनाब गर्मी से बुरा हाल है। ये 6 महीने थी गए, खंबे लगे खले, तारा लावना से तकलीफ नहीं करें दे। जेडी वजह कह ले इस्त्री सड़ गई, कह ले बल्ब सड़ गया, मोटर सड़ गई, असा तो ये खर्चा कर कर थक गए। मेहरबानी करें जल्द जल्द तारा लाइया मैंने। इंतजामिया की नाअहली या मामला कुछ और। मियांवाली आलूवाली में बसले के पोल तो लग गए मगर बसले फ्राहम न की जा सकी। 6 माह बाद भी पोल्स पर तारें नसब न हुई। मकीन बिजली की तरसील से महरूम। कहते हैं बिजली की आंख मचोली के बाद फ्रीजर, मोटर पंप और फ्रिज जल चुके। टेस्को कंदिया सब डिवीजन ने तारों की अदम फराहमी का कहकर मामला तरखा दिया। रहीम यार खान में मैपो इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। महमूद कॉलोनी की गली नंबर 4 में बिजली की तारें और मीटर लटकने लगे। बिजली का गिरा पोल दूसरे पोल के सहारे खड़ा। बस्ती के लटकते खतरनाक मीटर और तारे बड़े सानहे को दावत देने लगे। मकीन परेशान, मैप को इंतजामिया से फौरी अमले इकदाम का मुतालबा। मुल्तान मैपको रीजन में तकरीर तबादले। SC ऑपरेशन सानेवाल मोहम्मद सईद, SC ऑपरेशन साहिवाल और SC ऑपरेशन साहिवाल मोहम्मद सरवर, SC ऑपरेशन खानेवाल तायनात, SC ऑपरेशन बहावलपुर अब्दुल करीम जमाली को मैनेजर MNT1 मैपको और मैनेजर MNT1 मोहम्मद अनवर को SC ऑपरेशन बहावलपुर लगा दिया गया। मेरी गरीब की फरियाद है, ये थोड़े अगर मेनू हक चाहिए, मेनू मेरा हक दिला दो जी। वजीर आजम साहब जी, मेनू और कुछ नहीं चाहिए जी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरा शोर में गरीब है, दिहाड़ीदार, मेरे 2 बच्चे हैं। मेनू मैं देख लो, मेरी हालत देख लो, मैं इतनी कैंसर की मरीज हाँ जी। मेनू गरीब न मेरा हक ले दो जी।
मुल्तान में कबीरवाला की रिहायशी मोहम्मद खातून अपने ही आंगन से महरूम। भाई जफर अली बहन की आंख के नाल से जायद जमीन पर काबिज। हाथ में यूरिन बैग थामे कैंसर में मुब्तला खातून सरकारी दफातर के धक्के खाने पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास चिराग का नोटिस। नसरीन बीबी को फौरी इंसाफ फराहम करने का हुक्म दे दिया। बहावलपुर में 710 मिलियन का मंसूबा 1200 मिलियन लगाने पर भी नामुकम्मल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में फंड की अदम फराहमी। 2009 में शुरू होने वाला थैलेसीमिया एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर ताहाल मुकम्मल न हो सका। मंसूबा 2012 में मुकम्मल होना था। तर्जुमान कायद आजम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तलहा का कहना है कि रवा साल फंड मंजूर हुए ताहाल रिलीज नहीं हो सके। सेल पर कई माह से पानी नहीं मिल रहा, जमीनें बंजर और फसलें बर्बाद हो चुकी। लियाकतपुर में मैथला माइन सेल के काश्तकार परेशान। महकमा इनहार के खिलाफ सरापा एहतजाज। इल्जाम आयद किया कि महकमा इनहार अमले की मिली भगत से पानी चोरी हो रहा है। मुतादद बार शिकायत पर भी इंतजामिया दस से मस नहीं हुई। हुक्काम से नोटिस का मुतालबा। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तीन माह गुजर गए, दमदमा आर्ट गैलरी मुल्तान में आर्ट से म्यूजियम न बन सका। सेक्रेटरी टूरिज्म के दावे धरे के धरे। मुल्तान तारीखी शहर है, यहाँ म्यूजियम का न होना अफसोसनाक है। सयाह मायूसी का शिकार। आरपीओ मुल्तान खुरम अली शाह का अर्दल रूम एहलकार और अफसरान की अपीलों पर समाप्त। मुतादद अफसरान की सजाओं के खिलाफ अपीलों को मंजूर किया। सुप्रिया गफलत पर पुलिस मुलाजमीन को सख्त कार्रवाई का इंदिया। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान शाइस्ता नदीम का थाना बस्ती मलूक का दौरा। थाने की बिल्डिंग और हवालात में नस्ब कैमरों का जायजा लिया। कैदियों के रिकॉर्ड और जेर तफ्तीश मुकदमात का भी जायजा। बहावलपुर में दो साल बाद ही सेक्रेटरी आरटीए तैनात न हो सका। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, जायद किराया वसूल करने लगे शहरी। शिकायत लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। डीसी का असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का हुक्म। मुल्तान से अब बराह रास्त परवास अबू धाबी के लिए रवाना होगी। एयर अरेबिया के मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। 10 अगस्त से बराह रास्त अबू धाबी की परवास शुरू करने का ऐलान। रोजाना की बुनियाद पर एक फ्लाइट मुल्तान से रवाना होगी। नए तैनात सेक्रेटरी आबपाशी जनूबी पंजाब आमिर खटक ने अहदे का चार्ज संभाल लिया। आमिर खटक ने चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान से मुलाकात की। कहा वजीर आला के वसूल के मुताबिक डिपार्टमेंट को फाल करेंगे, किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मुल्तान में सफेद मुखी, रसेड और गुलाबी सुंडी के हमलों में इजाफा। कपास की फसल पर मुख्तलिफ कीड़ों के हमलों में इजाफा हो रहा है। काश्तकारों को माली नुकसान का खदशा। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मोहम्मद शाहिद का कहना है कि एक हफ्ते में सफेद मुखी के हमले की शरह 4 से 12 और रसेड 24% हो गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की कुलसुमनाथ बलोच के घर आमद। कुलसुमनाथ के वालिद रहीम बख्श की वफात से गहरी दुख का इजहार किया। मरहूम के एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की।